नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 50 मीटर से फायर करूंगा, एक नंबर शक्तिमान का फायर करूंगा 50 मीटर से। वो 50 मीटर टारगेट है हमारा और काफी बड़ा टारगेट है ये। एक तरफ को 6 फुट है ये और दूसरी तरफ को लगभग 4.5 फुट। तो अगर हम बर्ड शॉट चला रहे हैं 12 बोर गन से, तो 50 मीटर पे टारगेट के ऊपर कितने पैलेट आते हैं ये देखना है हमने। हालांकि अगर गूगल के हिसाब से देखा जाए, मैंने काफ़ी इसके बारे में स्टडी की थी, तो इसकी इफेक्टिव रेंज जो 32 इंच बैरल लेंथ में है तो लगभग 30-35 मीटर मानी जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद स्प्रेड जो है अनएक्सपेक्टेड रहता है। तो ये 50 मीटर मार्क पे हैं हम। तो मैगना यूज करूंगा शक्तिमान का, एक नंबर बर्ड शॉट। क्लियर क्लियर ओके। तो दोस्तों देखते हैं कितने पैलेट हिट हुए हैं जाकर 50 मीटर से। तो दोस्तों काफी पैलेट हिट हुए हैं 50 मीटर से, ये देख सकते हैं एक नंबर के। टोटल 55 पैलेट्स लगे हैं इस हिस्से में और ये डिस्टेंस हम देखते हैं 1 मीटर, 1 मीटर इधर को आ रहा है, तो हो सकता है कुछ पैलेट नीचे गए हैं। तो 130 लगभग 4 फुट के डाये में, 4 फुट के डाये में ये लगे हैं। तो अब हम इसको थोड़ा रिपेयर कर लेते हैं, फिर एक फायर और करके देखते हैं। ने रिपेयर कर दिया है, अब एक और शॉट चलाते हैं। तो दोस्तों फिर हम 50 मीटर मार्क पे हैं अपने और अब 4 नंबर बर्ड शॉट यूज करूंगा शक्तिमान का मैगना। क्लियर। तो चलते हैं देखने 4 नंबर कितने शॉट लगे हैं उस पे। और तो ये एक वेड मिली है, इसके अंदर पैलेट्स रहते हैं, ये पैलेट्स के निशान और ये इसके नीचे बारूद रहता है। जिन दर्शकों को इसके बारे में नहीं पता उन्हें बता दें, ये स्पेशल वेड है शक्तिमान की, जो कि इनको काफ़ी इकट्ठा रखती है पैलेट्स को। और ये वेड हमें मिली लगभग 25 मीटर के आसपास, ये वेड मिली है हमें। जैसा कि मैंने बताया, थोड़ा मेरी गन नीचे लग रही है, लगभग 14-15 पैलेट इस सेक्शन में हैं और ये नीचे काफी पैलेट्स हैं। अब इसके पीछे हमने कुछ नोटबुक्स रखी थी, उन्हें देखते हैं हटा के। हम देखें पेनिट्रेशन तो हुई है, पावर तो इसमें थी लेकिन पावर कम हुई है, सिर्फ इतने पेज हिट किए हैं इसने, इतने पेजों पे इम्प्रेशन दिया या फाड़े हैं इतने पेज इसने पेनिट्रेट किए हैं। दोस्तों लगभग 70 पैलेट इसके ऊपर लगे हैं, 70 पैलेट 4 नंबर के। तो दोस्तों एक बार 25 मीटर पे टारगेट रख के और एक नंबर बर्ड शॉट फायर करके देखते हैं कैसा स्प्रेड रहता है और पेनिट्रेशन कैसी रहती है इसमें। तो ये अब मैं एक नंबर बर्ड शॉट डाल रहा हूँ और इस बार मैं व्हाइट पेपर के सेंटर में मारूंगा, लेकिन ये नीचे लगेगी क्योंकि जैसा मैंने बताया मेरी गन में थोड़ी प्रॉब्लम है। और ये कैसे इसको ऊपर लाना है इस शॉट को मैंने, वो भी हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। इस शॉट पे मुझे वेड टकराकर वापस गिरती हुई दिखी है, मेरा पूरा ध्यान टारगेट पे था, तो जब वेड नीचे गिरी है तो कुछ नए नए शूटर क्या करते हैं, जो नए नए 12 बोर लेते हैं, वो जैसे ही ट्रिगर दबता है वो आंखें बंद कर देते हैं। शुरू शुरू में नए लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, डर के मारे कई बार झिझक में वो आंखें बंद कर देते हैं। तो अगर आपकी आंखें बंद होगी तो निश्चित तौर पर निशाना आपका नहीं लगेगा, बहुत कम चांस है अगर निशान लगे, तो आंखें बंद नहीं होनी चाहिए फायर पे। तो ये दोस्तों देखेंगे, जैसा मैंने कहा नीचे लगेगी और वाकई नीचे लगी, मैंने यहाँ एम किया था। और इसका स्प्रेड हम देखेंगे कितना स्प्रेड आया है, पहले तो बिल्कुल सही रेंज में पूरा पेनिट्रेट किया है इसने। दोस्तों यहाँ हम देखें तो ये फाड़ कर पैलेट्स बाहर निकले हैं, 25 मीटर टू 35 मीटर लगभग इसकी इफेक्टिव रेंज होती है।
अलग अलग कारतूस और बैरल लेंथ और चौक के हिसाब से। हमने ये जो स्प्रेड देखा 25 मीटर से 2 फुट 7 इंच के अंदर है ये डाय में, और बहुत बढ़िया पैटर्न दिया है, बहुत ही शानदार पैटर्न है इस गन का। लगभग 106-107 पैलेट हैं ये, जो कि 2 फुट 7 इंच के डाय में लगे हैं, और इतने ही पैलेट एक नंबर में रहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मेरे सहायक थे मिस्टर गौरव कुमार, थैंक यू, और मिस्टर पवन कुमार जो बिलासपुर से हैं बेसिकली, थैंक यू फॉर योर हेल्प। हमारे दर्शक आपको भी याद करेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।